की। अच्छा, आज का जो सेशन रखा गया है वो बेसिकली आपको असाइनमेंट 2 जो ओपन हुई है प्रोजेक्ट प्रपोजल की, उसके हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, ताकि आपको पता हो आपने प्रपोजल की असाइनमेंट से असाइनमेंट पे किस तरह से जो है वो वर्किंग करनी है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ अभी ग्रुप में स्काइप चैट पे आपके साथ प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट शेयर किया है। इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करते हुए जो सीक्वेंस है जिन हेडिंग्स का और जो जो यहाँ पे आपसे पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रपोजल की जो असाइनमेंट है वो बनानी है और LMS पर अपलोड करनी है। ठीक है, असाइनमेंट 2 जो आपकी 10 मई को ओपन हुई है और आई गेस जिसकी ड्यू डेट जो है वो 20 मई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप सबको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। प्रोजेक्ट प्रपोजल की असाइनमेंट पे वही स्टूडेंट्स वर्किंग कर सकते हैं जिनका जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो अप्रूव्ड है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली अपनी असाइनमेंट बनानी है और मैं प्रपोजल की असाइनमेंट किसी की भी अभी नहीं चेक करूंगी। आप लोग मुझसे स्काइप पे मत शेयर कीजिएगा। प्रपोजल की असाइनमेंट आप डायरेक्ट LMS पर अपलोड करेंगे। ठीक है, जब मैं चेक करूंगी LMS पे ड्यू डेट गुजर जाएगी, उसके बाद जो है वो आपको जो मैं फीडबैक दूंगी उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको इम्प्रूव करना होगा। अभी ये जो फाइल मैंने शेयर की है प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट की, वो सब आप सब अपने सामने ओपन कर लें ताकि आपको जो है वो आइडिया हो कि हम क्या डिस्कशन जो है वो करें। सबसे पहले आपका जो है वो प्रपोजल का ही दूसरा नेम है साइनॉप्सिस। ठीक है, तो आपने इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, प्रपोजल और साइनॉप्सिस मीन सेम। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपका टाइटल पेज आ जाता है। टाइटल पेज में ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड पेज है वो है Chapter 1, जिसमें इंट्रोडक्शन शामिल है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आपने किसका यहाँ पर देना है? अपने जो स्टडी के वेरिएबल्स हैं, जो आपके रिसर्च टॉपिक में वेरिएबल्स हैं, वो जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जिनको आप मैयर करने जा रहे हैं, आपने उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, लेट सपोज आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो आप उनका इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड दे देंगे। किस तरह से बैकग्राउंड देंगे? रिसर्च के प्रोजेक्ट का जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई हुई है ना, ठीक है, उन प्रीवियस रिसर्चेस को, उन प्रीवियस लिटरेचर को कंसिडर करते हुए थोड़ा सा आप समराइज़ करेंगे, बैकग्राउंड बताएंगे प्रोजेक्ट का कि पहले इस इन टॉपिक पर जो है वो किस तरह की रिसर्च हुई हुई है, क्या हुआ हुआ है और अब आप जो है वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ सा प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड देने के बाद आपने अपने वेरिएबल्स को ऑपरेशनली डिफाइन करना है। ठीक है, डेफिनेशंस अपने वेरिएबल्स की देने के बाद, पहले फर्स्ट वेरिएबल की दे दी, फिर जो है वो सेकंड की दे दी। ठीक है, तो डेफिनेशंस बताने के बाद अपने वेरिएबल की जो डिटेल्स हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म हो गया, उसकी टाइप्स अगर बताई हुई हैं वो बता दें, अगर ऑप्टिमिज्म से रेलिवेंट कोई थेरीज हैं, कोई मॉडल्स हैं। ठीक है, जो जो कंटेंट है आपके वेरिएबल से रिलेटेड वो आप बताएंगे। पहले वेरिएबल 1 का बता देंगे, देन वेरिएबल 2 का बता देंगे, एंड इफ़ यू हैव अ थर्ड और फोर्थ वेरिएबल तो इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ वेरिएबल की भी यही रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो मेंशन करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन आपका मैक्सिमम जो है वो हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएबल्स। अगर आपके 2 वेरिएबल्स है तो मुश्किल से आपका 2-3 जो है वो सफ़ों का, 2 सफ़ों का हो जाएगा लिटरेचर ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर ज़्यादा वेरिएबल्स है तो 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा का इंट्रोडक्शन जो है वो आपका नहीं होगा। अभी ये प्रपोजल की असाइनमेंट में बता रही हूँ। ठीक है, जब प्रोजेक्ट की सबमिशन होगी तब तो ऑब्वियसली आपका इंट्रो लिटरेचर सब कुछ ज़्यादा पेजेस का होगा। देन आपका Chapter 2 आ जाता है, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में सबसे पहले आपने बतानी है जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हुई हैं, जो प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनके रेफरेंसेस देने हैं। लिटरेचर रिव्यू में आपने वो रिसर्चेस कोट करनी है। ठीक है, ये रिसर्चेस जो हैं वो अब डिपेंड करता है आपके टॉपिक के हवाले से कि उस पर प्रीवियसली कितनी रिसर्चेस जो हैं वो कंडक्ट हुई हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली जो लेटेस्ट जो रिसर्चेस हैं 2000 अबव,
ठीक है, 90s की रिसर्चेस नहीं लेनी क्योंकि अब 2024 जो है वो चल रहा है, तो आपने 2005 या 8 ऑनवर्ड्स जितनी लेटेस्ट रिसर्चेस होंगी आपके रिसर्च टॉपिक से रेलिवेंट, आप वो रिसर्चेस कोट करेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है, रेलिवेंट रिसर्चेस। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में रिसर्चेस जो है वो कोट करने के बाद देन आपने रैशनेल बताना है अपनी स्टडी का, देन डैट वाई यू आर गोइंग टू चूज दिस रिसर्च टॉपिक एज योर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ द रैशनेल ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, आपने जस्टिफाई करना है उसको, उसकी नोवेलिटी को, क्या यूनिकनेस आप इस रिसर्च में लेकर आएंगे, किस तरह से जो है वो इफेक्टिव रिसर्च आपकी साबित होगी, ठीक है। रैशनेल बताने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने, उसी तरह जैसे आपने जो प्रोजेक्ट टॉपिक की सबमिशन करवाई थी उसमें, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं देन आप बताएंगे टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट वेरिएबल जो है वो एंड सेकेंड वेरिएबल, इसी तरह अगर जेंडर डिफरेंसेस देख रहे हैं तो आपका उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होगा। देन आपकी हाइपोथेसिस होंगे जो पहले फॉर्मेट जैसे बताया हुआ रिसर्च टॉपिक में कि देर इज़ लाइकली टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन जो वेरिएबल्स के दरमियान है, या फिर जो है अगर आप जेंडर डिफरेंसेस देख रहे हैं तो आपके उसके हाइपोथेसिस आ जाएंगे। एक चीज़ आप सबने ये ध्यान में रखनी है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस वही मेंशन करने हैं जिनको आप अपनी स्टडी में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिनको फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इररेलीवेंट ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस जिनका आपके टॉपिक से कोई कंसर्न नहीं है, जिनका आपकी फाइंडिंग से कोई कंसर्न नहीं है, वो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। योर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस शुड बी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। अच्छा, थर्ड चैप्टर आपका आ जाता है मेथोडोलॉजी का। मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आपने बताना है नेचर ऑफ रिसर्च के बारे में, ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, आप सब क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रिसर्च होगी वो सबकी सेम होगी, जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि द प्रेजेंट रिसर्च विल बी क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, मेथोडोलॉजी का पूरा सेक्शन आपका विल में आएगा, विल या शैल में, फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, क्योंकि ये एक आपका प्रपोजल है जो आपने इन फ्यूचर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कंडक्ट करना है। तो अभी आप एक चीज़ प्रपोज्ड कर रहे हैं कि मैं ये करने जा रही हूँ या मैं ये करूँगी, तो आपकी जो मेथडोलॉजी का पूरा सेक्शन है वो फ्यूचर टेंस में आएगा, आपने इसको पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखना। ये आप सपोज्ड कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, जब आप कंडक्ट कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट फिर आप इसको जो है वो पास्ट टेंस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ अभी प्रपोजल की असाइनमेंट में जो आपकी मेथडोलॉजी होगी वो फ्यूचर टेंस में होगी, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ रिसर्च में आप लिखेंगे द प्रेजेंट रिसर्च विल बी क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है, बस ये सिंपल सा आपने सेंटेंस लिखना है। देन रिसर्च डिज़ाइन में आप क्या लिखेंगे कि आपकी स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग योर स्टडी वेरिएबल्स, देन योर रिसर्च डिज़ाइन विल बी इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, या इस तरह से करेंगे कि द रिसर्च डिज़ाइन डेट विल बी यूज इन दिस स्टडी विल बी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन विद क्रॉस कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, यू आर सपोज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन लिखेंगे। देन व्हाट वुड बी योर रिसर्च और सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर आप बताएंगे कि आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, आप नॉन प्रोबेबिलिटी परपजिव सैम्पलिंग स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करेंगे, बिकॉज वेदर यू आर गोइंग टू डू अ रिसर्च यू हैव अ सर्टेन और स्पेसिफिक पर्पस जिसके तहत आप रिसर्च कर रहे हैं, अपना सैम्पल चूज़ कर रहे हैं, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट करने के लिए। अच्छा, अगर इस तरह का कोई केस है जहाँ पर आप जो है वो अपना सैम्पल स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब रेयर केसेस में इस तरह से होता है कि जहाँ पे आपको सैम्पल नहीं मिल रहा होता और आप स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू अपना सैम्पल जो है वो कलेक्ट करते हैं, देन आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी जो है वो मेंशन करेंगे। और अगर आप अपना सैम्पल जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, ठीक है, कि जो भी इजीली अवेलेबल है आप उसको जो है वो ले लो एज योर सैम्पल, तो देन योर सैम्पलिंग स्ट्रेटजी वुड बी नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग स्ट्रेटजी,
ठीक है, बट इफ़ योर रिसर्च प्रोजेक्ट हैव अ सर्टेन पर्पस, तो फिर आप जो है वो पर्पस सैंपलिंग स्ट्रेटजी जो है वो ऑप्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद आपका सैंपल आ गया, सैंपल की डिस्क्रिप्शन उसी तरह आपने डिस्क्राइब करनी है जैसे आपने प्रोजेक्ट टॉपिक में की थी। आपने बताना है कि आपका सैंपल जो है वो क्या होगा, सैंपल की एज रेंज क्या होगी, जेंडर, नंबर ऑफ सैंपल जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने डेटा कलेक्शन के लिए, और कौन कौन सी आप डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं अपने सैंपल की वो बताएंगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने स्पेसिफाई करना है अपना क्लियरली, किन को आप अपने सैंपल में इंक्लूड करेंगे और किन को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सैंपल शुड बी वेरी क्लियर। अच्छा, फिर आपकी असेसमेंट मेयर्स आ जाती है। असेसमेंट मेयर्स में सबसे पहले आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट आएगी। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट वो शीट होती है जब आप रिसर्च की डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक डेमोग्राफिक शीट होती है जहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट की क्रीडेंशियल्स होते हैं, पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन होती है जो आपने उनसे फिल करवानी होती है। ठीक है, कि क्वेश्चनर्स के अलावा ये एक शीट होती है जो स्टडी के स्केल्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसके अलावा इसमें आपने अपने पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन पूछनी होती है। फॉर एग्जांपल, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फैमिली सिस्टम, जॉब एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ जॉब, तो ये भी स्टडी टू स्टडी वेरी करता है। लेट्स सपोज अगर आप जो है वो क्लिनिकली डायग्नोज्ड पॉपुलेशन ले रहे हैं एज योर सैम्पल, लेट्स सपोज आप जो है वो कैंसर के पेशेंट्स ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कैंसर के पेशेंट्स की कौन कौन सी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अपनी जो है वो स्टडी कंडक्ट करने के लिए। तो आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट फिर कैंसर के पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली होगी कि किस एज रेंज के आप जो है वो कैंसर पेशेंट्स ले रहे हैं, किस स्टेज के कैंसर पेशेंट्स ले रहे हैं, स्टेज 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, और विद ट्रीटमेंट ले रहे हैं, विदाउट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या सिवेरिटी उनकी कितनी है। ठीक है, तो ये आपके जो सैंपल है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट वुड बी योर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट। तो फिर उसके बाद आपके जो है वो स्केल्स आ जाएंगे। एक चीज़ का आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है, टॉपिक में आपके वेरिएबल्स जिस सीक्वेंस में हैं आपने उसको क्लियरली उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है थ्रू आउट योर असाइनमेंट। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपका फर्स्ट वेरिएबल जो है वो ऑप्टिमिज्म का है और दूसरा वेरिएबल जो है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन का है, तो हर जगह आपने पहले ऑप्टिमिज्म का जिक्र करना है, फिर लाइफ सेटिस्फेक्शन का करना है। इसी तरह आपने जब स्केल्स भी मेंशन करनी है तो पहला स्केल आपका ऑप्टिमिज्म का आएगा बिकॉज डैट वाज योर फर्स्ट वेरिएबल। इसी तरह आपका अगर स्केल जो वेरिएबल 2 है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन है, तो फिर आप स्केल 2 जो है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन का मेंशन करेंगे, ना कि ऑप्टिमिज्म का। ठीक है, तो फिर आपने स्केल्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है अब रख। फिर आपने स्केल्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करनी है, उसमें आपने स्केल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ बनानी है, आपने जो है वो लिकेट स्केल आपने जो है वो स्टडी में यूज़ करनी है अपने डाटा कलेक्शन के लिए, जो उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी है वो सारी जो है वो मेंशन करनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप अपने वेरिएबल्स का और मेंशन करेंगे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, वहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर देना है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये भी आपने मेंशन करना है अपने इंट्रोडक्शन में वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करते हुए, ताकि आपके पता चल जाए स्टडी का डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये आपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मेंशन करना है। ठीक है, स्केल्स के बाद आपका जो है वो प्रोसीजर आ गया। प्रोसीजर में आपने A to Z जो प्रोसीजर फॉलो किया है पूरा अपना प्रोजेक्ट कंडक्ट करने में आपने वो पूरा बताना है। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन से लेकर आपने जो अप्रूवल ली, परमिशन ली अपने डाटा कलेक्शन के लिए, स्केल्स फाइंड आउट किए या अगर स्केल की परमिशन ली है, ठीक है, जो जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं अपने प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए, आपने क्या करना है उस पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। ठीक, देन आपकी एथिकल कंसिडरेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो स्केल्स ऑथर की परमिशन से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा कोई स्केल है जिसके लिए आप परमिशन ले रहे हैं ईमेल के थ्रू अपने ऑथर से, तो आप वो भी मेंशन करेंगे। ठीक है, और आपने जब डाटा कलेक्शन करनी है अपने पार्टिसिपेंट से, तो उससे पहले आप एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होता है फॉर्म जो आपको डाउनलोड सेक्शन में भी मिल जाएगा, वो फिलअप करवाते हैं। ठीक है, तो जो जो एथिकल कंसिड्रेशन ज़रूरी
करनी है, आपको लगता है रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करने के लिए, वो आपने मेंशन करनी है, डीब्रीफिंग करनी है, आपने अपने जो पार्टिसिपेंट है उसको जिसमें अपना रिसर्च पर्पस बताएंगे, आपकी क्यों आप ये उनसे डाटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो जो एथिक्स आपने फॉलो करनी है वाइल कंडक्टिंग योर रिसर्च, तो वो आपने यहाँ पे क्लियरली मैंशन करनी है। देन आपका आ जाता है प्रपोज्ड एनालिसिस, कि आपने जो सारी अपनी स्टडी सोची है कि आप ये करेंगे, उस पर आप एनालिसिस कौन से रन करेंगे। एनालिसिस जो रन करनी है वो आपने किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी है, SPSS के थ्रू, ठीक है। SPSS जो है वो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने एनालिसिस रन करेंगे। आपने जैसे मेंशन किया था अपने प्रीवियस असाइनमेंट में भी कि आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए पीयर्स एंड प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यूज़ करेंगे, और आप डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे, या अगर जो है वो आप वेरिएबल्स में जो है वो प्रिडिक्शन देखना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, तो देन आप जो है वो अगर ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा एनालिसिस जो है वो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली जो है वो चूज़ करते हैं, तो प्रपोज्ड एनालिसिस में आपने उन एनालिसिस का मेंशन करना है। देन जो है वो रेफरेंसेस आ जाते हैं, आपके रेफरेंसेस जो है वो APA के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली होना ज़रूरी है। ओरिएंटेशन सेशन की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि आपने रेफरेंसेस किस तरह से कोट करने हैं, रिसर्च आर्टिकल्स के किस तरह से रेफरेंसेस कोट करने हैं, अगर बुक के रेफरेंसेस हैं वो किस तरह से कोट करने हैं, तो आपने फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और अल्फ़ाबेटिकली अपने जो स्टडी के वेरिएबल्स हैं वो आपने वो करने हैं, मेंशन करने हैं। फिर आपके अपेंडिक्स आ जाते हैं, अपेंडिसेस में आपने के जो जब आप डेटा कलेक्शन, अभी तो खैर आपके सिर्फ स्केल्स आएंगे अपेंडिसेस में, ठीक है, जो स्टडी के स्केल्स हैं, जो ओरिजिनल स्केल्स हैं एज इट इज़ जिस फॉर्म में, आपने वो स्केल ज़रूर अपने प्रपोजल की असाइनमेंट में मेंशन करने, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पे आपके जो स्केल्स हैं उसकी एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। तो स्केल ज़रूर मेंशन करने हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में, खुद से आपने स्केल्स जो है वो डिवेलप नहीं करने, खुद से उनमें कोई भी स्टेटमेंट ऐड नहीं करनी, ठीक है। स्केल्स इस तरह से अटैच करनी है अपेंडिसेस में कि जो कि रीडेबल हो, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने पिक्चर इंसर्ट की हुई थी स्केल की, लेकिन वो स्केल जो मेंशन किया हुआ था वो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं था, ठीक है। तो आपने स्केल्स की एक्सेप्टेंस करवानी है इस जो है वो असाइनमेंट में, क्योंकि स्केल्स अप्रूव होंगे फिर ही आप डेटा कलेक्शन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं ना, तो इसलिए आपने अपने स्केल्स जो हैं वो ओरिजिनल जो हैं वो एज इट इज़ अपने अटैच करने हैं प्रपोजल की असाइनमेंट में, ताकि उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो करें, और फिर आप अपनी फर्दर प्रोसीड करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो प्रपोजल की असाइनमेंट थी जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी है। किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ लें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। आपको जी आवाज आ रही है मेरी? आपको पूछना जी आ रही है। चाह रही थी कि केला मेंशन करेंगे अगर दिन का टेबल बना के, और एज जैसे वहां पर दिए गए लिख लिख को क्या कह रही हैं बच्चे? आप पहले नाम बताएं, कौन बोल रही हैं आप? मैम, मेरा नाम नाजुक है और मैं ये पूछ रही हूँ कि जो स्केल हम मेंशन करेंगे, आपने कहा है कि पिक्स रीडेबल नहीं है, तो वो क्या हम खुद लिख सकते हैं, मतलब टेबल बना के एज इट इज जहाँ जैसे हाँ, स्केल? खुद लिख सकते हैं, लेकिन कोई उसमें चेंज आपने खुद से नहीं करना, ठीक है। किसी स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं करना, स्केल एज इट इज़ जो है वो करना है। और ऑब्वियसली जब आपने डाटा कलेक्शन करनी है तो स्केल आप अगर वो सही से नहीं मिल रहा आपको, पिक्चर्स में रही है, तो आप उसको वर्ड फाइल में खुद से जनरेट करके ही डाटा कलेक्शन करेंगे ना, तो वो आपने एज इट इज़ उसको उसी तरह कर लिकेट स्केल यूज़ करना है आपने अपनी डाटा कलेक्शन के लिए। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है?
अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम सलाम मैम. माय नेम इज़ कुरतुल. मैम ये ज़रा रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में ज़रा दोबारा बता दें. अच्छा, रिसर्च डिज़ाइन में बच्चे आपका मैंने भी ये बताया है, जैसे अगर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना अपनी स्टडी में, तो आपका जो रिसर्च डिज़ाइन होगा वो क्रॉस सेक्शनल कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन होगा, ठीक है, जिसमें आप रिलेशनशिप या एसोसिएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपने वेरिएबल्स के दरमियान. और सैम्पलिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है अपने डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है. उसमें बताना है आपने कि आप नॉन प्रोबेबिलिटी पर्पजिव सैम्पलिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, ठीक है. वो डिपेंड करता है आपके, आप सैम्पल जो है वो किस तरह से कलेक्ट करें, आपका सैम्पल किस नेचर का है, ठीक है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर आपको आप कोई भी सैम्पल ले रहे हैं वो जो आपके लिए ईजिली अवेलेबल है, कन्वीनियंट है आपके लिए कलेक्ट करना कहीं से भी, तो आपकी जो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होगी वो नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होगी. बट इफ़ योर रिसर्च हैव अ स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है, कोई खास सर्टेन पर्पस है जिसके तहत आप रिसर्च करें, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज आप कैंसर के पेशेंट्स अगर ले रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जैसे शौकत खादम हो गया, मोल हो गया, जहां पे आपको कैंसर के पेशेंट्स मिल सकते हैं अपने डाटा कलेक्शन के लिए, देन योर सैम्पलिंग स्ट्रेटजी विल बी पर्पसिव सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, ठीक है. इसी तरह कुछ केसेस में जैसे सैम्पल नहीं मिलता आपको, क्रिमिनल्स का सैम्पल ले लिया या ऐसा सैम्पल जो आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू मिलेगा कि आप जो है वो ऑनलाइन सैम्पल जैसे कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं और फर्दर वो आपके क्वेश्चनर्स आके फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपकी जो सैम्पल आप कलेक्ट कर रहे हैं ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होगी, ठीक है. समझ आ गई है? जी जी मैम आ गई है. थैंक यू सो मच. अभी बच्चे आपने SPSS यूज़ नहीं करना, अभी तो जब जस्ट आपने मेंशन करना है ना कि आपने किस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने एनालिसिस रन करने हैं, फिर जब आप डाटा रन करेंगे तब आपको एनालिसिस रन करने के लिए SPSS यूज़ करना होगा. जी और किसी का कोई सवाल है? जी बच्चे ये आपकी चॉइस है, आप सैंपल जो है वो अपनी डाटा कलेक्शन जो है वो गूगल फॉर्म के थ्रू करते हैं या फिर इन पर्सन करते हैं, तो ये आपके तो सैंपल की नेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा आपकी फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है. मैम अगर गूगल फॉर्म की सूरत में हम करते हैं अपनी सैंपलिंग तो फिर हमें करना पड़ेगा वो मेंशन जनरेट करना पड़ेगा और मेंशन भी करना पड़ेगा और जनरेट करना पड़ेगा आपको. बच्चे बैंकिंग सेक्टर से अगर आप डाटा लेना चाह रही हैं ना, तो बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट डेजिग्नेशंस के डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क के लोग हैं, तो आपने वहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि आपने बैंक्स में कौन से जो है वो एम्प्लॉयज़ लेने हैं अपनी डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है. तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट है और बाकी सारी चीज़ें वो बनाएंगे. वर्ड्स और पेजेस कोई स्पेसिफाइड नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ये प्रपोजल आपका ब्रीफ सा होना चाहिए जितना आपको उसमें नज़र आ रहा है फॉर्मेट में, ठीक है. इतनी कोई डिटेल्ड आपकी असाइनमेंट नहीं है क्योंकि ये आपका साइनोप्सिस है, तो आपकी ब्रीफ ही असाइनमेंट होगी. वो जब आप डेटा कलेक्शन करेंगे आपको तब पता चल जाएगा, अभी आप प्रपोजल की असाइनमेंट पे फोकस कीजिए, जब डेटा कलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर वो तब देखेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी तब.
सारे चैप्टर्स करने हैं बच्चे आपने एंड तक, कंप्लीट प्रपोजल की असाइनमेंट बनानी है। नहीं अभी ये जो 20 को सबमिट करवानी है इसमें, जी 20 को जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है उसमें आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर, चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये कंप्लीट होना है रेफरेंसेस तक, अपेंडिसेस तक। तो इस सेमेस्टर में हमारे कितने हो जाएंगे चैप्टर जी? इस सेमेस्टर में हमारे कितने हो जाएंगे चैप्टर? कोर्स कैलेंडर देखें, इस सेमेस्टर में आपने सिर्फ प्रपोजल डिफेंस तक काम करना है। प्रपोजल डिफेंस तक, ठीक है। प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट करना है ना, जो कंडक्ट करना है, वो आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में करना है 499B में। कोर्स कैलेंडर देखें बच्चे, वाइवा कब होगा उससे पता चलेगा आपको। जी ठीक है, मैं देखूंगी। और बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या लिखना है? जी वो भी मैंने बताया है, जो प्रीवियस रिसर्चेस कंडक्ट हुई हुई हैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, आपके पहले इन टॉपिक पे जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें क्या हुआ है और क्या रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, अब जैसे मेरा टॉपिक है रेजिलियंस एंड सोशल सपोर्ट अमंग डिप्रेस्ड पीपल, तो उसमें मुझे बिल्कुल सेम टॉपिक तो नहीं मिला इस पर, तो मिलते जुलते टॉपिक थे रेजिलियंस एंड सोशल सपोर्ट। हाँ, उनका एक कंक्लूजन निकालेंगी ना कि ओवरऑल जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने क्या कंक्लूड की है इसके बारे में, तो फिर आप वो मेंशन करेंगे। हाँ जी बच्चे, आपने जैसे जो फॉर्मेट है ना प्रपोजल का, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और उसमें जो हेडिंग्स रिक्वायर्ड है, फिर चैप्टर 2 में जो हेडिंग्स रिक्वायर्ड है, चैप्टर 3 में, आपने प्रॉपर्ली उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। सारा जो प्रपोजल में जो जो चीज़ें मेंशन है वो सब चैप्टर्स फॉलो करने हैं, सब सबमिट करवाने हैं इस असाइनमेंट में। हाइपोथेसिस में क्या लिखते हैं? जो प्रोजेक्ट टॉपिक की असाइनमेंट सबमिट करवाई थी उसमें जो हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्स बताए थे वही लिखने हैं आपने इसमें भी। अच्छा सही। और नेचर ऑफ द रिसर्च में आपने सेशन नहीं सुना अभी? नहीं मैंने जरा लेट ज्वाइन किया है। तो आप सेशन की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम अलीशा बात कर रही हूँ। मैम मैंने वैसे इसका ना प्रपोजल जो सेकंड असाइनमेंट है वो रेडी की है, तो आप उसको अभी स्काइप पे चेक करेंगी या बस वो LMS से ही? LMS पे अपलोड करें फिर चेक करूँगी। चलो ठीक है। जी बच्चे, आपने असाइनमेंट में प्रपोजल में जो सैंपल की डिस्क्रिप्शन मांगी है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वो सब मेंशन करना है रामीन। बच्चे गूगल से मिलेंगी, गूगल स्कॉलर पे जाके देखें रिसर्च आर्टिकल्स, वहाँ से मिलेंगी आपको। और मैंने आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट डाली थी स्काइप पे, जो क्वेरीज आप एड्रेस करते हैं या स्काइप कॉल करते हैं उसके हवाले से, आई होप आप सबने वो टाइमिंग्स नोट कर ली होंगी। उसी डेजिग्नेटेड टाइम में आपने अपनी जो भी क्वेरीज हैं प्रोजेक्ट के हवाले से या असाइनमेंट्स के हवाले से वो एड्रेस करनी है। इसके अलावा जो वीकली सेशंस कंडक्ट होंगे वो सब स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, सबसे पहले तो कि वो उन्हीं सेशंस में जो भी क्वेरीज हैं वो एड्रेस करें, बजाय ये कि बार बार स्काइप पे मुझे एक एक मैसेज करके या जो है वो कॉल्स करके पूछें। तो आप सबके लिए मैंडेटरी है इसको सेशन में जो है वो एड्रेस करें। सेशन रखा इसलिए जाता है कि ओवरऑल सबके साथ जो भी क्वेरीज हैं वो एड्रेस हो जाएं, बजाय ये कि मैं फिर सेशन भी लूं और फिर आप लोगों को इंडिविजुअली भी वही चीज़ बार बार बताऊं। और रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास सेशन की इसीलिए होती है कि अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप वो रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लें, बजाय ये कि वही चीज़ बार बार एक एक बच्चा मुझसे पूछे।
तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स के और भी प्रोजेक्ट के कोर्सेज़ हैं, तो एक मेस मच जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, इससे बाकी सारी एक्टिविटीज़ सफ़र करती हैं। इसीलिए ये एक टाइम जो है वो बाउंड कर दिया आप लोगों के लिए। आई होप सो आप सब ये जो डेजिग्नेटेड टाइम है इसको फॉलो करेंगे। चलें, और कोई क्वेरी है प्रपोजल की असाइनमेंट के हवाले से तो पूछने, वरना फिर मैं सेशन एंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे टॉपिक आपको रिलेशनशिप, अगर मैं रिलेशनशिप, आवाज कट रही है आपकी। हेलो, अपना नाम बताइए, आवाज कट रही है आपकी। इकराम कदस। जी इकरा, बताइए क्या पूछ रही हैं आप। जी मैम, टॉपिक बता रही थी मैं आपको। जी बताएं। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूजेज एंड एंजाइटी लेवल इन स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं कर सकती हूँ। बच्चे सोशल मीडिया एडिक्शन पे ऑलरेडी दो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो अगर मैं एंजाइटी लेवल की जगह पे डिप्रेशन ले लूं। मैं आपसे कह रही हूँ, दो स्टूडेंट्स का ये टॉपिक अप्रूव हो चुका है, इससे रिलेटेड आप कोई और टॉपिक देख लें। बच्चे जिन स्टूडेंट्स की जो टॉपिक की असाइनमेंट्स अप्रूव हुई है, ठीक है, और जो इम्प्रूवमेंट्स आपको सजेस्ट कर दी गई हैं, वही प्रपोजल की असाइनमेंट पे काम करेंगे रईसा, ठीक है। अगर आपका टॉपिक अप्रूव हुआ है तो फिर आप प्रपोजल की असाइनमेंट पे काम करेंगे, जो चेंजेस आपको बताई गई हैं टॉपिक के हवाले से उसके अकॉर्डिंगली। जी इकरा, और कोई टॉपिक है आपके माइंड में जो आपने करना है? इकरा, आर यू देयर? जी जी मैम, मैंने ये तीन टॉपिक ही फाइंड आउट किए थे, तो वो तीनों ही आप कह रही हैं कि वो नहीं होंगे। जी कोई और टॉपिक देख ले और मुझसे फिर इंडिविजुअली डिस्कस कर ले इकरा आप, ठीक है? जी ठीक है मैम। सारा कुछ उसका सर्च कीजिएगा, स्केल्स वगैरह सब कुछ जो रिक्वायर्ड है टॉपिक अप्रूवल के लिए। जी ठीक है मैम। वो मैं दोबारा बता दूं, आपने इस तरह से नहीं करना, वो टॉपिक लेने हैं जिन वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप है, जो आपस में इंटरलिंक्ड है। इस तरह नहीं करना, एक वेरिएबल कहीं से उठाया, दूसरा कहीं से उठाया, पूरा प्रॉपर आपका रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। चलें ठीक है, आई होप सो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी असाइनमेंट टू के हवाले से वो एड्रेस हो गई होंगी। सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन सकती हैं, ठीक है? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।